खरगोन थाना क्षेत्र के बीटीआई रोड स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था की इमारत में शुक्रवार शाम अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मचारियों ने आग पर लगभग दो घंटे में पूरी तरह से काबू पा लिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। मृत की सूचना पर वो पहुंचे, आग से शिक्षण सामग्री सहित पुराने नक्शे आदि जल गए। शिक्षा अधिकारी के मुताबिक दस्तावेजों की जानकारी लेखापाल और केंद्र प्रभारी दे सकते हैं। फिलहाल उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा हुआ है। मुझे मेरे यहाँ के वृत्त ने जानकारी दी कि यहाँ आग लग गई है। तो मैं वैसे ही सर, क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान इसमें बच्चों के पढ़े के नक्शे वगैरह थे और असाइनमेंट वगैरह लिखाए जाते थे और कुछ रिकॉर्ड थे साथ में। सर, सर्किट जो लगा था वो बाहर लगा है, जिस कमरे में आग लगी है उसकी कम से कम दूरी 20 मीटर की है और शॉर्ट सर्किट बाहर हुआ है और आग सर उस कमरे में लग गई है। गाड़ियाँ वगैरह आई है उसके कारण, बाकी दूसरा तो सोचे थे नहीं। सर, कितना पुरानी रिकॉर्ड है ये? तो मैं तो अभी साल भर से आया हूँ, पहले पुराना भी रिकॉर्ड है। उसमें कुछ नक्शे वगैरह हैं पुराने जो बच्चों को पढ़ाते थे। काफ़ी नुकसान नज़र आ रहा है वहाँ पे, जो पुराना रिकॉर्ड। अब जो भी संबंधित शाखा प्रभारी हैं उनसे चर्चा करके उनसे जानकारी ली जाएगी। इसमें कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था क्या? नहीं, कर्मचारी तो यही थे, ड्यूटी थी। सर, अभी एक साहब ने बताया है कि कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, सबकी ड्यूटी लगा दी गई है। तो सर, इतना महत्वपूर्ण विभाग है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं यहाँ पे, और यहाँ किसी की ड्यूटी में लाइव ड्यूटी नहीं है। सर, ये दस्तावेज अकाउंट संबंधी दस्तावेज भी कुछ नहीं है, जैसे कर्मचारी के डीए वगैरह या जो? वो जानकारी निकालना पड़ेगी लेखा शाखा से। लेखा शाखा जो मंडल जी है उनका चुनाव में ड्यूटी है, वो बाहर गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।